रुड़की के खानपुर से चार बार के विधायक रह चुके कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन पर लंढोरा के धोबी समाज के लोगों ने धोबी घाट की जमीन पर कब्जाने का आरोप लगाते हुए धरना प्रदर्शन किया है। दरअसल धोबी समाज के लोगों का कहना है कि कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने रात में सरकार द्वारा आवंटित की गई जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया गया। वहीं जब उन्होंने पुलिस को सूचना दी तो पुलिस ने उनके द्वारा किए गए कब्जे को हटवाया, जिसके बाद उन्होंने रात में आकर हवाई फायर कर उन लोगों में दहशत फैलाने का काम भी किया। इसके आगे धोबी समाज के लोगों ने यह भी आरोप लगाया है कि प्रणव सिंह आज से नहीं बल्कि इनके बड़े भी बहुत पहले से गरीबों की जमीन कब्जाने का काम करते आ रहे हैं, पर अब वह ऐसा कतई नहीं होने देंगे और वह अब कोतवाली मंगलौर में उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराएंगे। रुड़की से सलमान मलिक की रिपोर्ट। ऐसा है जी कि ये मतलब जो जमीन का मामला है, धोबी घाट की जमीन का मामला है। ये धोबी घाट का पक्का निर्माण हुआ है, आप ये देख सकते हैं पीछे, मतलब सारा धोबी घाट का पक्का निर्माण हुआ है। और क्या नाम, उधर धोबी समाज के नाम के पट्टे है जो मतलब मकान बने हुए धोबी समाज के। तो 2004 में जिस टाइम पर नगर पंचायत ने उस पर मतलब वो बनाना चाहे थे अपना ट्वेल लगाना चाहता, तो धोबी समाज के लोगों ने 2007 में धरना प्रदर्शन किया था, जिसमें मेरे और धोबी समाज के खिलाफ रोड जाम का मुकदमा हुआ था। फिर मतलब राज्य सरकार ने वो मुकदमा वापस लिया, 10 साल मुकदमा चला लेकिन राज्य सरकार ने वापस लिया, मैंने मतलब उसमें वो करा था। और अगर डीएम साहब का आदेश आएगा, असली जो लड़ाई है ना, एक डीएम साहब का आदेश हुआ पट्टा निमित करने का, ये तो उसमें मतलब कई बार जांच होगी, तहसीलदार स्तर से जांच हुई है। तो चैंपियन ये कहता है कि आप कैसे अधिकारियों पर दबाव बना रखे कि आप इस जमीन को कैसे दर्ज करवा रहे धोबी समाज के नाम, ये जमीन हमारी है, हम यहाँ के राजा थे, 542 गाँव के राजा थे हम, तो जहाँ भी कोई जमीन होगी वो हमारी, हमारी इजाजत के बाहर कैसे हो रहा। सारा विवाद ये है कि वो हमारी जमीन पर कब्जा करने के लिए आए थे, जिसमें धोबी समाज के मतलब उसका विरोध किया चैंपियन साहब का, और पुलिस प्रशासन ने भी इसमें बहुत बड़ा सहयोग किया। पुलिस जब इन्होंने हमारी जमीन पर कब्जा किया मतलब पशु बांधे, तो पुलिस प्रशासन ने हाथों हाथ इनका कब्जा मुक्त करवा दिया। और मैं आपसे बताता हूँ कि रात के 1 बजे चैंपियन साहब और अपने साथियों के साथ फिर यहाँ पे आए, और इन्होंने सात कम से कम कई बार मोदी जी मकान बनाने की सबको दे रहे हैं, इतनी योजना चला रहे हैं, और कुछ भाजपा के नेता उस मकान को हमारे छीना जा रहा है। अभी देखिए आप, मोदी तो गरीब लोगों की मदद करना चाहते हैं, मकान दे रहे हैं सबको, और जो वहाँ की जो एक हमारे कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन है और वे हमारे से मकान छीन रहे हैं गरीब लोगों की, ये ऐसी अच्छी बात है? उन्होंने पता नहीं कितने लोगों के घर उजाड़े हैं।